नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने गांव मलहड़ के पास में 100 किलोग्राम कचरा डोडर पोस्ट के साथ में दो लोगों को गिरफ्तार किया। कार में 5 गट्टों में भर करके ले जाई जा रही थी यह चोरा पोस्ट। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों का गाँव दौलतपुर का कृष्ण और तामसपुर का देवीलाल शामिल है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद पुलिस ने गांव मलहड़ के पास में 100 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्ट के साथ दो लोगों को काबू किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव दौलतपुर निवासी कृष्ण कुमार और गाँव तामसपुर निवासी देवीलाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी 5 गट्टों में भर करके कार की मदद से चूरा पोस्ट की तस्करी कर रहे थे। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को काबू कर लिया। पकड़ी गई चूरा पोस्ट की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस की टीम गांव मलहड़ के पास में गश्त कर रही थी और इसी दौरान कार में भरकर चूरा पोस्ट ले जाते हुए दोनों लोगों को पुलिस ने काबू कर लिया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब देखें पर्पल की विशेष रिपोर्ट। आज मलहड़ के एरिया में नाकाबंदी कर रही थी तो जो है गाड़ी आई, गाड़ी को उन्होंने रुकवाया और गाड़ी में नशीला पदार्थ होने का शक होने पर उसको नोटिस दिया उनको और मुझे जो है ना मौका बनाने के लिए सूचित किया। जो मैंने मौका बजा के और जो गाड़ी की तलीसी करवाई तो उसके अंदर 2 आदमी थे और 100 किलो जो है ना कचरा डोडा पोस्ट उस गाड़ी से बरामद हुआ। ये कितने लाख रुपये कितने गई? ये करीब जो है ना 5 लाख रुपये की जिसकी कीमत जो है ना। कितने आदमी थे जी इसके अंदर? 2 आदमी थे, एक तो कृष्ण और एक देवीलाल। कहाँ से लेके आ रहे जी ये? अभी जो है ना उनका जो है ना अदालत में पेश करके और गहन पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे उनसे। इनके पहले किसी प्रकार की कोई है कार्रवाई? हाँ वो देख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड की भी छानबीन कर रहे हैं, देखेंगे। जो कार्रवाई की जा रही है सर? कार्रवाई की जा रही है, अभी और अंकित कर लिया इनके खिलाफ और आदमी को जो है ना पेश अदालत करके पुलिस रिमांड कर रहे हैं। गाड़ी में थे? गाड़ी में थे।